बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। कमर टूट जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद 4 साल वहाँ घिसना पड़ता है। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी IIT में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या। जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। सब ये कहते थे, सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं, हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करने, कोई बात ही नहीं करना चाहिए। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर, ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनाई जो यहाँ का प्रेशर नाप सके, बनाते तो पता चल जाता कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है सर। Another student died by suicide. Student suicides have become a big problem. कोटा में 24 घंटे के भीतर 2 और बच्चों ने 29 student suicides were reported in Kota. For how long can we let this happen? Another student has tragically lost her life to exam stress. 2 students have committed suicide in Rajasthan. How many more suicides will it take for the rat race to really end?